हेलो एवरीवन, सविता हेल्दी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तुरई की सब्जी बनाएंगे। ये सब जानते हैं कितनी हेल्दी होती है, पर बच्चों को अच्छी नहीं लगती, पर आप ऐसे तरीके से बनाएंगे तो बच्चों को भी अच्छी लगेगी। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बहुत कम सामान में। ये देखिए, मैंने तोरी को काट लिया है। ये 5 से 6 तोरी थी और इसमें मैंने अदरक थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है, और ये प्याज दिया मैंने, ये 2 टमाटर है, इसको मैंने ग्रेट कर दिया, ये धनिया और ये हरी मिर्च, तो ये नमक, आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 हल्दी और धनिया पाउडर, और गरम मसाला आधा आधा चम्मच। देखिए, मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला, रिफाइंड ऑयल, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। ये मैंने प्याज लिया, ये एक बड़ा प्याज है, इसको मैंने काट लिया था, और इसको हम भूनेंगे, इसको अच्छी तरह ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए, मैंने कोई ज्यादा मसाले नहीं दिए, बहुत सिंपल तरीके से। तोरी अपने आप में ही इतनी हेल्दी होती है कि इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल तड़का लगाइए। गैस को तेज कर देते हैं, ये हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब हम मसाले डाल देंगे सारे, और गैस को स्लो कर देंगे, हल्का सा भूनेंगे मसालों को। अब हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर डाल के फिर गैस को तेज कर देंगे। टमाटर को थोड़ा पकने देंगे 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1 चम्मच। चाहे तो टमाटर को ढक के भी पका सकते हैं। एक बार दोबारा से पानी डाल के एक बार फिर से देखिए, 3-4 मिनट में ही हमारा मसाला भून के तैयार है। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। अब हम ये तोरी डाल देते हैं। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, आप चाहे तो कुकर में बना सकते हैं, ये 1 सीटी में ही कुकर में बन जाएगी। बस हमने तोरी डाल के इसको मसाले में मिला लिया, और तो थोड़ा सा एकदम सूखा ऐसे रहने देंगे मसाले के अंदर, थोड़ा सा उसको फ्राई करके अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप चाहे आधा कप और डाल सकते हैं। अब हम इसको ढक के 7-8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और गैस को मीडियम कर देंगे, बस ये तैयार हो जाएगी 7-8 मिनट में। देखिए, अब हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। देखिए, हमारी तुरई की सब्जी बनके तैयार है। आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए, आपको जरूर टेस्टी लगेगी।
तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।